अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल रबियाज़ डायरी। तो जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी सिंपल सा और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी स्लीव्स का डिज़ाइन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। तो जी ये देखें, सबसे पहले हमने सुई में धागा डाल देना है। फोर फोल्ड ये धागा है और हमने इस तरह के पर्ल्स ले लेने हैं। आप इसे बड़े भी ले सकते हैं, पर इसे छोटे ना लीजिएगा, ये नॉर्मल साइज़ के हैं। इस तरह सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे। मैंने अपनी स्लीव्स रेडी कर ली हुई हैं स्टिच करके। आप इसको आगे से जितना मर्जी खुला रख सकते हैं। इस तरह से अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक उंगली के फासले पे अब हम एक मोती लेंगे इस तरह से, और फिर हम अपनी एक उंगली के फासले से ये सुई को इधर से निकाल लेंगे। इसी तरह फिर हम दूसरा लेंगे मोती और फिर इसको एक उंगली के फासले पे निकाल लेंगे इस तरह से, और हम इसको यूं खींच लेंगे। इसी तरह हमने मोती लेते जाना है और लगाते जाएंगे इस तरह। पहले देखें, सिर्फ एक मोती के फासले पे हम पहले सुई गुजारेंगे नीचे की तरफ, और जब हम अगला मोती लगाने के लिए सुई बाहर निकालेंगे तो हमने एक उंगली का फासला रखना है इस तरह से। और जब हम यूँ इसको खींचेंगे तो हमारे इस तरह से ये मोती लगते जाएंगे और हमारे स्लीव्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही इजी बन जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और ये पहन के बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चार पांच मोती लगा के इस तरह, और फिर हम इनको इस तरह से खींच के सेट कर लेंगे। हल्के हाथों से खींचना, ज़्यादा ज़ोर से मत खींचिएगा नहीं तो धागा टूट जाएगा। और आपने धागा फोर फोल्ड ही डालना है सुई में, नहीं तो ये टूट जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक किया करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आपने बिल्कुल इनको लूज नहीं लगाना, थोड़ा टाइट लगाएंगे। जब इस तरह से हमारे पूरी स्लीव्स पे ये लग जाएंगे तो आपने बाजू में इस तरह से डाल के चेक कर लें कि आपका हाथ इजीली बाजू के अंदर जा रहा है। अगर ज़्यादा टाइट है तो आप इन मोतियों को थोड़ा थोड़ा लूज़ कर लें, अगर इस तरह आपका ज़्यादा खुला है तो इन मोतियों को थोड़ा सा और ज़्यादा टाइट कर लें अपने अकॉर्डिंग, जितना आप लोग रखना चाहते हैं। मुझे ये थोड़ा सा लूज़ है तो मैं इसको थोड़ा और टाइट करूँगी इस तरह से। ये देखें, मैं इसको टाइट करती जाऊँगी ताकि ये मेरे बाजू में फिट आ जाए। आप लोगों ने भी अपने बाजू के अकॉर्डिंग इसको खुला या तंग कर लेना है इस तरह से। ये देखें, टाइट हो गया ये, और ये पहने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो जी ये देखें, एंड पे आके हम इसको इस तरह से पहले मोती के साथ गुजार लेंगे तो इधर से भी हमारा यूँ हो जाएगा। ये स्लीव्स बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखते, पहनते हुए अक्सर ये धागा टूट जाए तो हमारे सारे मोती खुल जाते हैं, इसलिए इसको नॉर्मल सा रखना है, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा खुला। तो जी देखें, इस तरह से हमारे बाजू का ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। मैं अब आपको पहन के दिखाती हूँ। तो जी देखें, हमारे स्लीव्स का डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुका है। आपने इसको इतना खुला रखना है जितना आपका हाथ ईजीली इसमें से गुजर जाए,
और पहन के इस तरह आपके बाजू के साथ ही रहे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से जी पर्ल्स के साथ हमारे बाजू का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। होप सो आप लोग को पसंद आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।